श्रवण कुमार साहब को ये पता नहीं है कि वहाँ अभी 24-25 तक कोई वैकेंसी प्रधानमंत्री का नहीं है। कई बार कई बड़े बड़े नेता बोल चुके हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री जी का, तो श्रवण कुमार ही नीतीश जी को भेजेंगे लाल किला पर झंडा फहराने के लिए क्या? तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी आए हैं केसीआर, रणनीति तैयार हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का। अच्छा अच्छा, कहाँ रणनीति यहाँ बन रही है लालू जी के आवास पे। 23 बार का भ्रमण भी करें कुशवाहा जी बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जी तो कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, समझ में नहीं आता है। कभी बोलते हैं खिलाफ में, कभी बोल देते हैं पक्ष में, कभी बोलते हैं कि पीएम मटेरियल है हम नहीं कहा है, कभी कहते हैं कि पीएम मटेरियल ही है। समझ में नहीं आता है। और वहाँ बैठ करके आपस में दो आदमी बात करने से प्रधानमंत्री कोई हो जाता है वैसे? अरे यार, उसके लिए मैंडेट चाहिए ना जी, बजाबते एमपी का उतना एथी चाहिए, संख्या चाहिए। तो अभी उस लेवल में इन लोग का अभी ग्राफ पहुँचा कहाँ है जो प्रधानमंत्री बना देंगे और एथी कर देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, एनडीए का गवर्नमेंट रहेगा, ये सब लोग जान रहा है देश। अब बताइए कि एक नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरे देश में सब लोग घूम के इकट्ठा हो रहा है कि कैसे हटाया जाए, कैसे बनाया जाए। तो अब समझ लीजिए नरेंद्र मोदी जी का पॉपुलरिटी क्या है। विदेश में कहीं भी जाते हैं तो एकदम स्पेशल, एक यूनिक टाइप प्रधानमंत्री दिखते हैं, सम्मान होता है। अब सोचिए, अरे वो सब यहाँ पर सरकार अभी नया बना है, वो सब दिखलाने के लिए ऐसा किया गया है कि आपको हम पीएम का कैंडिडेट बना रहे हैं, ये है वो है ये सब है। सर, कार्तिक कुमार के बारे में क्या कहिएगा, उन्हें अब गन्ना मंत्री बना दिया गया है। कार्तिक कुमार के बारे में हम क्या बोलेंगे? कार्तिक कुमार के बारे में यही बोलेंगे कि कार्तिक कुमार मास्टर साहब जो हैं उनसे ज़्यादा भारी गंभीर आरोप है जगता बाबू के बेटा पर। लेकिन चूंकि वो जगता बाबू के बेटा हैं इसलिए उनका कोई चर्चा वर्चा नहीं हो रहा है, मंत्री बने हुए हैं, आगे मलाई खेवे किए हैं घोटाला करके राइस का, फिर एग्रीकल्चर में भी घोटाला होगा, कहाँ ऐसा कोई कार्रवाई हो रहा है भाई? सुधाकर जी पर तो कोई कार्रवाई वाई हुआ नहीं अब तक, ना कोई बात चला, ना विभाग चेंज हुआ, बेल पे हैं वो, बेल आउट है, उनको पैसा गवर्नमेंट का जमा करना था। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी के टाइम में ही केस हुआ था, उसके बावजूद भी वो बने हुए हैं कृषि मंत्री, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए कोई जगता बाबू का बेटा है। कार्तिक मास्टर तो आए थे इधर उधर से लगता है, इसलिए उनको विभाग भी बदल दिया गया। जबकि कार्तिक मास्टर साहब का जैसा कि सुनने में आया है कि हाईकोर्ट उनका फाइल सब रिव्यू भी कर चुकी है, देख भी चुकी है कि क्या आरोप है क्या नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।